Hi friends, welcome back. आज की पोएट्री है लैपिस लाजुली by W B Yeats. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में फटाफट. नाउ ये जो पर्टिकुलर पोएट्री है लैपिस लाजुली, इसका नाम ही है लैपिस लाजुली. एक सेमी प्रेशियस स्टोन है जो कि W B Yeats को उनके 70th बर्थडे पर हैरी क्लिफ्टन ने गिफ्ट किया हुआ था. तो इसी के साथ साथ चलेंगे, पोएट्री इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे बिना किसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आज. सो ऐसा इमेजिन करिए, कुछ पर्टिकुलर औरतें हैं जो ड्राइंग रूम में हैं और बैठकर बातें कर रही हैं. उस तरीके से यीट्स हमें ये सीन इस तरीके से दिखा रहे हैं. आई हैव हर्ड दैट हिस्टोरिकल वुमन से दे आर सिक ऑफ द पैलेट एंड फिडल बो ऑफ पोएट दैट आर ऑलवेज गे. नाउ ये कह रहे हैं, यीट्स से कह रहे हैं कि औरतें जो पर्टिकुलर ड्राइंग रूम में जो बैठ के जिस तरीके की बातें करती हैं, दे हैव दिस हिस्टोरिकल वुमन, यानी कि एक तरह से कॉमिकल फियर है इन लोगों का कि और अभी होने वाला वॉर है. ये किस बैकड्रॉप में पोएट्री स्टार्ट हुई है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, स्पेनिश वॉर, एंड जर्मनी में फिर से राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया था, एंड एवरीबडी न्यू की सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब शुरू होने वाला है, कोई उसको रोक नहीं सकता है. तो इस बैकड्रॉप में औरतें हैं जो हैं वो किस तरीके की, उनके पास एक अजीब सा डर है, कॉमिकल फियर टाइप समझ लीजिए. कॉमिकल क्यों, ये आगे पता चल जाएगा. तो वो डर है और उस डर के चलते अब ये जो टाइम है, जैसे कि आफत लगी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे किसी को पेंटिंग नहीं देखनी होती, कोई म्यूजिक नहीं सुनना होता, किसी पोएट की कोई पोएट्री नहीं देखनी होती, क्योंकि ये लोग जिस मूड में है, ये पोएट्री वाले या म्यूजिशियन आर्टिस्ट पर्टिकुलर जिस मूड में है, ये मूड अभी लोगों का नहीं है. तो ये यहाँ पे इन लोगों से कट के, मतलब इन लोगों से थोड़ा सा अलूफ होकर ये पर्टिकुलर व्यू दिखा रहे हैं कि दैट वुमेन आर सेइंग दे आर सिक ऑफ पैलेट एंड फिडल बो ऑफ पोएट्स दैट आर ऑलवेज गे. नाउ औरतों का ये भी कहना है कि एवरीबडी नोज, और अगर नहीं पता है तो उसको अब तक ये बात पता चल जानी चाहिए कि अगर कुछ ड्रास्टिक नहीं करेंगे, कुछ अलग या कुछ बड़ी बात नहीं करेंगे, तो ये एरोप्लेन और जिपलिन दे विल कम आउट. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे लंदन पर बॉम्बिंग वगैरह सारी चीज हुई थी, जिपलिन क्या है, एक इस टाइप की पर्टिकुलर चीज है, तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी. और आने के बाद क्या होगा आप मुझे बता दीजिए कि पिच लाइक किंग बिली बॉम्ब एंड्स बॉम्ब बॉल्स इन अंटिल द टाउन लाई बीटन फ्लैग. जैसे ऊपर से बॉम्ब्स और मिसाइल्स वगैरह गिरते रहेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. तो यही कह रहे हैं, अंटिल द टाउन लाई बीटन फ्लैट. नाउ पिच लाइक किंग बिली बॉम्ब्स इन, किंग बिली बॉम्ब बॉल्स इज लाइक, ये एक पर्टिकुलर वॉर हुआ था आयरलैंड में 1916 में, जिसमें किंग बिली विलियम ऑफ ऑरेंज जो थे वो जीते थे. तो इट्स लाइक, तो ये जो पर्टिकुलर आयरलैंड है, द बैटल ऑफ बॉयने, इस वक्त उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं. बेसिकली यही कहना है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, उस बार जैसा हुआ था उस तरीके से, लाइक सब कुछ बॉम्ब वॉम गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे, उस तरीके से ये लेडीज बोल रही हैं. नाउ सेकेंड स्टैंजा के पास में आएंगे. सेकेंड स्टैंजा थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा एट टाइम्स लगेगा कि यीट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन्होंने उन चीज़ों को एक जगह अलग तरीके से जोड़ दिया है. इसे समझने में थोड़ी मेहनत लगती है और अलग अलग लिटरेचर सोर्सेज से आपको इसके अलग अलग मीनिंग्स पता चलेंगे. मैं द बेस्ट जो मुझे समझ में आया वो यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. नाउ सेकेंड सीन, आप सेकेंड स्टैंजा ऐसे इमेजिन करिए कि ड्राइंग रूम छोड़ के अब आप थिएटर देख रहे हैं, वो शेक्सपियर के ड्रामे, मोस्टली वहीं के कैरेक्टर्स के बारे में बात की, क्योंकि ट्रेजेडी उन्हीं की होती है. ठीक है, तो अब उस टॉपिक पर बात चल रही है और सबसे फेमस जो उनके कैरेक्टर्स हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह इमेजिन करिए एक ड्रामा जैसा चल रहा है, दुनिया जैसे एक ड्रामा चल रहा है, तो वो दुखी वाला प्ले, ट्रेजिक प्ले चल रहा है. देयर स्ट्रट्स हैमलेट, देयर इज स्लेयर, That's Ophelia, that's Cordelia. Yet they should the last scene be there, the great stage curtain about to drop, if worthy their prominent part in the play. Do not break up their lines to weep. Now, ये particular क्या कह रहे हैं कि ये हर कोई, जैसे कि Hamlet है या Lear है, Ophelia, Cordelia, technically ये चारों लोग मर ही जाते हैं इनके drama में, और इन सबको ये बात पता भी है. येट दे शुड द लास्ट सीन बी देयर, इन सबको पता है कि लास्ट सीन क्या है, द ग्रेट स्टेज कर्टन अबाउट टू ड्रॉप, इफ वर्दी देयर प्रोमिनेंट पार्ट इन द प्ले. ये स्टेज भी बंद हो जाएगा, इनका सारा ये ड्रामा भी बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली दे आर डेड, बट स्टिल
इनका जो पार्ट है ये लोग अपना वो पार्ट प्ले करते हैं रोल ड्रामे में. कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आई एम गोइंग टू डाई या फिर ऐसा कुछ होने वाला है. एक्टर्स वहां बैठ के रोना धोना शुरू नहीं करते हैं, ये अपना पार्ट प्ले करते हैं. ये हमारी ईस्टर्न फिलोसफी है. हमारा जो रोल है, जैसे भगवद गीता भी कहता है, हमारा जो रोल है अपना कर्म करो बस उतना देखो. तो ये एक तरीके से ईस्टर्न पॉइंट दिया गया है इस पर्टिकुलर एज में. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अप टू वर्ल्ड वार वन के बाद में इन लोगों का दिमाग बहुत डिफरेंट हो चुका था. लाइक ये लोग ईस्टर्न फिलोसफी की तरफ बेंड होने लगे थे, इंक्लूडिंग वेस्टलैंड में भी आप देखिए तो बहुत ही ज्यादा वो ईस्टर्न सिंबल्स को दिखाया जा रहा है. तो ये अब उस पार्ट में जा रहे हैं कि जो होना है वो तो होके ही रहना है ना, आप आपका जो रोल है वो परफॉर्म करो, बैठ के हिस्टोरिकल होने की जगह या ऐसे. यहाँ ये भी कारण देखिए, ओफिलिया कॉर्डिलिया अनलाइक लास्ट स्टैंजा में जो वुमेन थे वो सिर्फ बैठ के लाइक हाय तौबा ही कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, कोई कुछ करो. ऑन द कॉन्ट्रारी इधर ये ओफिलिया कॉर्डिलिया दे आर डूइंग देयर वर्क, इनका जो काम है वो कर रहे हैं, काइंड ऑफ मरना है मर ही रहे हैं. नाउ नेक्स्ट डे दे नो दैट हैमलेट एंड लेयर आर गे, गेटी ट्रांसफिगरिंग ऑल दैट डेड ऑल दैट ड्रीड. ऑल मैन हैव एम्ड एट फाउंड एंड लॉस्ट, ब्लैक आउट हेवन ब्लेजिंग इन टू द हेड, ट्रेजेडी राउट टू इट्स अटर मोस्ट. लाइक जैसा कि मैंने कहा, ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा ईट्स की बहुत सारे थॉट्स आके मिल रहे हैं, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है इन चीजों के. नाउ दे नो दैट हैमलेट एंड लेयर आर गे. अब ये जो पर्टिकुलर गे है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है. ये गे का मतलब ये है कि वो इट्स लाइक उनका जो विजन है अपने आप को लेके वो बढ़ गया है, एंड दे आर डूइंग ओवर इट. जो मतलब अपना इमेजिन करें कि जैसे सोल्जर्स होते हैं वॉर फ्रंट पे या फिर हाँ वॉर फ्रंट पे, तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहे होते कि मतलब रेकलेस काम नहीं कर रहे होते हैं, वो उनकी जो ड्यूटी है वो करते होते हैं. ठीक है, तो उस वक्त का उनका जो विजन, और वो करने में खुश भी होते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो मर जाऊंगा वाला केस नहीं, वो उस वक्त अपना वो रोल प्ले करने में खुश होते हैं. तो उस टाइप का की है. नाउ गेटी ट्रांसफिगरिंग ऑल दैट ड्रीड, हर कोई जैसे पिछले स्टैंजा में वो जो लेडीज थी दे वेर अफ्रेड या फिर दे वेर हिस्टोरिकल अबाउट इट, तो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट इट. ये जो खुशी है जैसे सोल्जर की ऑन द स्पॉट या इन ड्रामे के कैरेक्टर्स की स्टेज पे वो जो उनकी गेटी है, इट changes all those people who are dreading ki ho kya hone wala hai something like that. Now all men have aimed at found and lost. Abhi ye keh rahe hain ki ye wo particular gaiety hai jo har ek insaan ye particular characters mein, har ek matlab hum audience wale log nahi, wo log jo apne role mein hai, maan lijiye soldiers le lijiye ya ye Hamlet, Lear, Ophelia, Cordelia, in logo they have aimed at, they have and they have found it and they have lost it. Ultimately they lose their lives in it. And ye life ko loss karne ke baad they gain an immortality. To ye found or lost ka ek alag type ka game hai. Now blackout, heaven blazing into the head. Ye hai now blackout like drama chal raha hai, curtain gir jayega. Ya war pe chal raha hai, maar diya, aankh band ho gayi, like wo bhi ho gaya. Ya phir World War One ka time le lijiye, jab London pe bombs vagera gir rahe the, to us time pe blackout ho jata hai. Sare log apne lights off karke rehte hain taki upar walon ko pata hi na, wo to lights dekh ke batayenge na, upar walon ko pata hi nahi chale ki niche kuch log hai to wahan pe bomb nahi girega. To ye wo wale type ka blackout hai. Now heaven blazing into the head, like wo इस पर्टिकुलर बॉम्ब्स गिरना उस पर्टिकुलर टाइप की चीज को बोल रहे हैं, या वार फ्रंट पे खड़ा हुआ, या हैमलेट लेयर, ये भी ऑन द स्पॉट वो उसके मरने के टाइम पे इट्स लाइक वो हेवन ब्लेजिंग इनटू द हेड, ट्रेजेडी राउट टू इट्स अटर मोस्ट, मतलब अल्टीमेट फॉर्म की ट्रेजेडी है ये. अब फाइनल दो हैमलेट रैम्बल्स एंड लेयर रेजेस. नाउ हैमलेट की क्या है, हैमलेट का कैरेक्टर आपको पता ही होगा, इज लाइक बैटल विद इन सेल्फ टू बी और नॉट टू बी, मैं करूँ या नहीं करूँ वाला केस. एंड लेयर इज इट्स लाइक आई मस्ट मेक माई सेल्फ, ये वो वाले कैरेक्टर, मतलब दो एंड के ये दोनों कैरेक्टर्स हैं. एंड ऑल द ड्रॉप सीन्स ड्रॉप एट वंस, और ड्रामा कोई भी हो, हैमलेट वाला हो या लेयर भी हो, अपॉन अ 100,000 स्टेजेस, लाइक कौन सा भी वाला ड्रामा हो, ये लोग अपना वो रोल पार्ट, आई मीन जो उनका पार्ट है उसे प्ले करते ही हैं. लाइक कितनी भी बार आप हैमलेट का या लेयर का या कोई भी पर्टिकुलर ड्रामा करिए, तो उसका जो सीक्वेंस है, लाइक जो सीन है वो वहीं पे जाके एंड होता है. किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रामा में एक सीन पहले या एक सीन बाद में एंड नहीं होता,
ये उसी जगह पे होता है, कितनी बार भी कितने भी हजारों बार आप ये पर्टिकुलर स्टेज कर लो, इट कैन नॉट ग्रो बाय एन इंच और एन आउंस. अब ये पर्टिकुलर चीज क्या है, आर्ट जो है, जैसे कि ये ड्रामा है, उसने उस क्रिएट मतलब लाइक एक जो कैरेक्टर है, एक जो इंसान है जो वो रोल प्ले कर रहा है, वो उस रोल को पहले तो निभाता है और बाद में वो कैरेक्टर इस आदमी को डिफाइन करता है. जैसे कि एक आदमी है वो सोल्जर बनता है, सोल्जर बन के जब वो वॉर फ्रंट पे जाता है, उधर लड़ाई करता है, तो अभी सोल्जर ने इस आदमी के कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया. तो ये वो वाली बात है. और अब ये जो कर दिया तो वो उसको इमोर्टिलिटी मिल गई या कुछ बड़ा कर दिया. जैसे लेयर और कॉर्डिलिया ये दोनों ही मर जाते हैं, तो अलग भी हो गए, लेकिन मरने के बाद वो एक दूसरे के साथ भी हो गए और हमेशा के लिए हो गए. तो ये वो बात हो गई. और ये जो साथ हो गए, इमोर्टल केस हो गया, ये उधर ही रह गया. अब इसके आगे वो कभी बढ़ता नहीं है. लाइक ये अपने आप को इन चीजों से डिस्टेंस करके बता रहे हैं कि देखो ये वैसा ही है. वो भगवत गीता का पार्ट है ना, कि लाइक जस्ट डू योर पार्ट इन द ड्रामा, आपका जो भी रोल है वही करो और वैसा ही रहने वाला है. इट्स लाइक दूर होके ये देख रहे हैं कि ये जो इनकी ट्रेजेडी है ये इसके आगे नहीं बढ़ रही है, इतनी की इतनी ही रह रही है. नाउ कमिंग टू थर्ड स्टैंजा, अब इसी पर्टिकुलर फैक्ट को ये थोड़े अलग तरीके से बताने वाले हैं. जैसे इमेजिन करे कोई पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है, इंडिया ही ले लीजिए. इंडिया था पहले किसी भी तरह से, फिर कितने सारे अलग अलग टाइप के लोग आए, मुगल आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, बहुत लोग आए, फाइनली अंग्रेज लोग भी आए. तो वो सारे लोग धीरे धीरे आते गए और इधर रहे, और उनमें से हर कोई फाइनली या तो यहीं का हो गया या फिर यहाँ से चला गया वाला, एक पर्टिकुलर प्रिंट छोड़ के सारे चले गए. तो अब हमारे पास क्या बचा, वो सारे लोग जो थे या जिस भी टाइप की हिस्ट्री क्रिएट हुई ये सारी, अब वो सारी हिस्ट्री बुक लाइब्रेरीज के रैक्स पे है, मतलब उन लोगों का सिविलाइजेशन है जो कुछ भी हो रैक पे. अब इसको बड़े पिक्चर पे लाइक बड़ा पैरा मतलब बड़ा वाला व्यू देखेंगे. ऑन देयर ओन फीट दे कम, कुछ लोग चल कर आए और कुछ शिप से आते हैं, गधे घोड़े खच्चर ऊंट सबके ऊपर बैठ बैठ के अलग अलग टाइप के लोग आए. ओल्ड सिविलाइजेशंस पुट टू द सॉर्ड, देन दे एंड देयर विजडम वेंट टू रैक. जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ, फाइनली सब लोग हिस्ट्री की किताब बन गए. ये वो बताना चाहते हैं कि कुछ चल रहा है, आता है, एक चीज खत्म हो जाती है, फिर नई चीज शुरू होती है, ये उस टाइप की बातें कर रहे हैं. नाउ जैसे कि ओल्ड सिविलाइजेशंस शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं, उसमें जैसे एक छोटा सा विंडो क्रिएट किया इन्होंने, और ये विंडो क्रिएट करके सिर्फ अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ पॉइंट आउट करेंगे. और ये इंडिविजुअल हैं हमारे काली मचूस, लेट फिफ्थ सेंचुरी के ग्रीक स्कल्प्टर हैं ये. इनके बारे में नो हैंडी वर्क ऑफ काली मचूस, हु हैंडल्ड मार्बल एज इफ इट वेयर ब्रॉन्ज. ना वो मार्बल पत्थर है, आप उसको जरा इधर उधर तोड़ देंगे तो वो टूट ही जाएगा. अनलाइक ब्रॉन्ज जैसी चीज जो गर्म करने से मेल्ट हो जाएगी और दूसरा फॉर्म लेगी, वैसा वाला नहीं है. लेकिन ये जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट स्कल्प्टर हैं, ये मार्बल को भी ब्रॉन्ज की तरह ट्रीट करते थे और बहुत अच्छी अच्छी लाइक मार्बल की ड्रेपरीज वगैरह बनाने के लिए ये फेमस है. सो ये इस टाइप के पिलर्स वगैरह बनाने के लिए फेमस है. तो अब इसके बारे में एक विंडो करके, एक विंडो में आपको एक पर्टिकुलर सीन दिखा रहे हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल होगा. लाइक मेड काली माचूस ही मेड ड्रेपरीज दैट सीम टू राइज व्हेन सीविन स्टेप स्वेप्ट द कॉर्नर स्टैंड्स हिज लॉन्ग लैम्प चिमनी शेप्ड लाइक द स्टेम ऑफ स्लेंडर पाम स्टूड बट अ डे. इट्स लाइक ये जो इन्होंने, ये काली माचूस इन कॉलम्स को बनाने के लिए ही फेमस थे ना. ड्रेपरीज जैसे कि जैसे पर्दे वगैरह, देखने से ऐसा लगता है आप अगर देखें मार्बल स्टैचूज, तो इन पर्टिकुलर आर्टिस्ट लोगों ने मार्बल स्टैचूज बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं. उनके बाल भी या उनके ऊपर लगे हुए कपड़े की, कपड़ों की सिलवट भी, ये सारी चीजें दिखती हैं. तो मेड ड्रेपरीज दैट सीम्ड टू राइज, बाय द वे ये वाली जो ड्रेपरीज है ये ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये कॉलम पिलर्स वाले. व्हेन सी विंड स्वेप्ट द कॉर्नर स्टैंड्स, जब कॉर्नर से सी विंड भी उनको लगते हैं तब भी ये जो कॉलम्स हैं दे वेर स्टैंडिंग स्ट्रेट. हिज लॉन्ग लैम्प चिमनी शेप्ड लाइक द स्टेम, ये लॉन्ग लैम्प चिमनी शेप, वो बड़ी बड़ी भट्टियां वगैरह होती है ना इंडस्ट्रीज में, उस टाइप से कंपेयर किया. चिमनी शेप लाइक द स्टेम, किसी पेड़ के तने की तरह. ऑफ स्लेंडर पाम स्टूड बट अ डे, वो खड़ा रहा लेकिन एक थोड़े टाइम के लिए ही खड़ा रहा, अल्टीमेटली वो भी गिर गया, ये कहना चाहते हैं. All things fall and are built again.
एंड दोज दैट बिल्ड देम अगेन आर गे. मतलब हर चीज एक बनती है एंड देन गिर खत्म हो जाती है और फिर बाद में उसको फिर से बनाया जाता है. जब लोग उसको बनाते हैं दब दे आर अगेन दिस पर्टिकुलर गे. ये इज लाइक आप वो सोल कैरेक्टर्स को ले लीजिए या वॉरफ्रंट के सोल्जर्स को ले लीजिए, पूरे जोश जुनून के साथ ये वो काम करने वाले हैं वैसा दिखा रहे हैं. बेसिकली ये इधर वो साइक्लिक नेचर ही दिखा रहे हैं, जन्म लेना, कंटिन्यू करना, फाइनली फिनिश हो जाना और फिर से एक नए फॉर्म में जन्म लेना. इट्स लाइक अभी बूढ़े हो गए थे और अब रोमांस वगैरह छोड़ के यीट्स जो है अब इसी टाइप की फिलोसफी में आगे बढ़ते जा रहे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वोल्वार का सीन भी था, तो इट्स लाइक सबका माइंडसेट वैसा हो ही चुका था वेस्ट में. अब जब नई नई चीजें बन जाती हैं एंड देन पीपल आर हैप्पी, जब नई चीजें होती हैं फिर वो सारी पुरानी चीजें भूल जाते हैं एंड दे आर आउट ऑफ इट. जैसे हम लोग अपना उस पार्टीशन के दुख में अपने देश में बैठ के रोते हैं और ना ही वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू के दुख में रोते हैं. इवन वी आर मूव्ड ऑन, नई नई चीजें बन गई हैं. अब यहाँ इस पर्टिकुलर स्टैंजा में यीस्ट को जो कार्विंग मिली है, मतलब जो उसका लापिस लजूली के ऊपर जो कार्विंग है, ये उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं. इट्स लाइक उस कार्विंग पे बहुत कुछ पर्टिकुलर चीजें जो बनी थी, लाइक टेम्पल्स थे, ट्रीज थे, चिड़िया थे, लोग थे, बहुत कुछ थे. तो उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज को जो उनके इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन करी है. टू चाइना मैन बिहाइंड देम अ थर्ड, यानी कि दो चाइनीज मैन या एशियन पीपल और उनके पीछे एक तीसरा इंसान आर कार्व्ड इन लापिस लजुली. जो लापिस लजुली सेमी प्रेशियस स्टोन उनको मिला है उस पर ऐसी कार्विंग है और उन लोगों के ऊपर से ओवर देम फ्लाइज अ लॉन्ग लेगेड बर्ड, एक क्रेन है जो उनके ऊपर से जा रही है. इट इज अ सिंबल ऑफ लॉन्जिटिविटी. लाइक अर्ली मेडिवल पीरियड में चाइना जापान में क्रेन जो है इट वॉज अ सिंबल ऑफ लॉन्जिटिविटी. तो उन लोगों ने लापिस लजुली पे भी कार्विंग की है एंड ईट्स को इस बात का पता है, उन्होंने वो चीज वहां मैंशन की हुई है. अब जो इंसान पीछे है उसके बारे में कह रहे हैं, द थर्ड डाउटलेस अ सर्विंग मैन. मतलब उनको कोई डाउट नहीं है, वो पक्का उन लोगों का सर्वेंट है या नौकर है और वो अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रहा है. अब वो उस पत्थर को देखकर उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब ये किस टाइप का डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो मैं पहले आपको बता दूं. इट्स लाइक हमारे में वो कहावत है ना, मराठी में तो है वो, छिन्नी की मार मिले बगैर पत्थर भी भगवान नहीं बनता, उस टाइप की बात है. नॉट एग्जैक्टली वैसी, हर एक डेंट या क्रैक जो पड़ा है उसके पीछे एक कहानी है, एक टाइप का दुख है और वो सारा दुख मिलके एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर बनता है. जैसे किसी इंसान को भी ले लीजिए, बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी भी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर दुख, छोटे छोटे दुख होते हैं, खुशी होती है, लेकिन ये जो लास्ट में जब देखें तो उन दुख के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप की खुशी होती है. तो ये वो वाले टाइप की बात करेंगे इधर. Every discoloration of the stone, every accidental crack or dent seems a water course or an avalanche or lofty slope where it still snows. अब ये बता रहे हैं उस पत्थर के ऊपर हर वो discoloration जो आया है या हर वो accidental crack या dent जो पड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि उधर से कभी कोई पानी का रास्ता था, जैसे कहीं वहां कोई नदी बहती थी या उधर कोई तूफान आया है या वो ऐसा स्लोप हो जिधर अभी भी बर्फ गिरती है. इन्होंने उस तरीके से वो जो कार्विंग है उसे डिस्क्राइब किया, लाइक दुख में खुशी, खुशी में दुख वाला टाइप का सीन. पर्टिकुलर सिर्फ कार्विंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है. दो डाउटलेस प्लम और चेरी ब्रांच Sweeten the little halfway house. ऐसा कह रहे हैं कि प्लम या चेरी ब्रांच, उस पर पेड़ वगैरह भी हैं तो उन पेड़ पे ये कह रहे हैं कि चेरी प्लम या चेरी वगैरह जो उगती होंगी, by that time ये चाइनीज पीपल आधे रास्ते पहुंचेंगे, वो भी थोड़े मीठे हो जाएंगे, उस तरीके की बात है. Those China men climb towards, जिस तरफ से वो जा रहे हैं हाफ वे, उन वो ऊपर पहाड़ पे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो आधे रास्ते पे कहीं ना कहीं कहीं जगह पे ये भी कहा है कि ये लिटिल हाफ वे द हाउस, इट्स लाइक ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के सर्टेन बीच की बात होगी. बट मेरे हिसाब से तो इस वक्त वो सिर्फ उस कार्विंग को बता रहे हैं और ये तीनों लोग जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, आधे रास्ते जब तक पहुंचेंगे तब तक वो पेड़ की टहनियों पर जो चेरीज वगैरह वो थोड़े और मीठे हो गए होंगे और अब ये आधे रास्ते तक वहां पहुंच गए हैं. तो यीस्ट अब इमेजिन कर रहे हैं एंड आई, और मैं अब यहाँ पे ये वाली इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि वो पूरे रास्ते जाएंगे नहीं, थोड़ा सा बीच में कहीं पे बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए
and delight to imagine them seated there, aadhi raste pe kahin, there on the mountain and the sky, वहाँ पे उस पहाड़ पे और वहाँ ऊपर जो आसमान है, on all the tragic scene they stare, मतलब अब ये वहाँ से बैठ के ये सारा tragic scene देख रहे हैं, वो women का hysterical fear या शेक्सपियर के ड्रामा के कैरेक्टर्स को या फिर वो सारी सिविलाइजेशंस जो अप एंड डाउन हो रही हैं ऑन ऑल द ट्रैजिक सीन, ये वहाँ से बैठ के वो चीज़ें देख रहे हैं और देखने के बाद में लाइक वो साइक्लिक नेचर जब वो वहाँ से देख रहे हैं, उनमें से एक उस सर्वेंट को बोलता है वन आस्क फॉर अ मॉर्नफुल मेलेडी, थोड़ा कोई दुखी म्यूजिक बजाने के लिए, एंड एकम्प्लिश्ड फिंगर्स बिगिन टू प्ले, एकम्प्लिश्ड फिंगर्स हियर इज लाइक मास्टरी है इसकी उस पर्टिकुलर काम में, तो अब वो दुखी वाला म्यूजिक बजा रहा है. एंड अब ये चाइनीज लोग हैं तो पर्टिकुलर लाइक एशियन फिलोसफी को दिखाने के लिए बार बार चाइनीज की तरफ पॉइंट आउट किया गया है. देयर आईज मिड मेनी रिंकल्स, बहुत सारे ये बूढ़े हैं ना, तो मिड मेनी रिंकल्स देयर आईज देयर एंशियंट ग्लिटरिंग आईज आर गे. नाउ एक चीज मेंशन कीजिए, यहाँ आईज बार बार है, नो ये पर्टिकुलर रिपीटेशन ऑफ आईज मतलब एक काम और जॉयस कॉन्शियस की तरफ इशारा करता है, एंड एक इनडोमिटेबल विल टू क्रिएट, भले कितनी भी बार बिगड़ जाए फिर भी उठकर हम बनाएंगे. और द गे हियर इज दिस ग्लिटरिंग आईज, इट्स लाइक एक तरह का वो लिविंग कॉन्शियसनेस, जैसे भले शरीर मर जाता है लेकिन वो आत्मा अभी भी है, तो वो लिविंग कॉन्शियस अभी तक है. तो और बूढ़ा होने का मतलब इट्स लाइक उनको पता है, ये उन आंखों से देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस आके हाँ खत्म होगा फिर बनेगा, तो अब वो एक डिस्टेंस से इन चीजों को देख रहे हैं. देयर आईज मेड मेनी रिंकल्स देयर आईज देयर एंशियंट ग्लिटरिंग आईज आर गे, वो ये सब कुछ देख कर भी, इस दुख में इस केओस को देख कर भी दे आर अवेयर, लाइक एक दे विल क्रिएट इट अगेन, दे नो सारी चीजें फिर आ जाएंगी, लाइक एक डिटैच्ड व्यू देख कर दिखा रहे हैं. बस यही थी ये पर्टिकुलर पोएम लापिस लाजुली मेरी तरफ से. अभी इस वक्त यीट्स की ये लास्ट पोएम है. अगर कोई भी पर्टिकुलर पोइट्री आपको चाहिए हो यीट्स की तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो आपको किस तरह की लगी है और लाइक्स डिसलाइक्स जो भी हो जस्ट लेट मी नो, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या कम करूँ, क्या ज़्यादा करूँ, जस्ट लेट मी नो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, याद से लाइक करिए, आपको कोई पता है जिसे ज़रूरत हो तो शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.